हेलो गाइस, वेलकम टू सुमित व्लॉग 27। तो भाई लोग, आज हमारे साथ में ऑल न्यू महिंद्रा 3XO, और ये गाड़ी सेगमेंट की एकमात्र ऐसी कार है जिसमें आपको काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो आपको सेगमेंट की और किसी गाड़ी में देखने को नहीं मिलते हैं। तो चलिए आपको मैं चेकआउट करवाता हूँ। अगर मैं उसे थोड़ा पहले आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब दूँ तो इसमें आपको मिल जाता है जैसे कि लेवल 2 ADAS। इसमें लेवल 2 ADAS इस सेगमेंट की और किसी गाड़ी में आपको नहीं देखने को मिलेगा। और इसमें आपको मिल जाएगा जो है बेस वेरियंट 1.2 लीटर 3 सिलेंडर TGDI टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। और इसमें आपको मिल जाएगी जो है 6 एयरबैग जो है, जो कि स्टैंडर्ड हो चुके हैं गाड़ी में, और 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग। और भी ऐसे कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे जो आपको इस सेगमेंट के और किसी गाड़ी में देखने को नहीं मिलते। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको चेकआउट करवाता हूँ मैं इसके सारे जो है फीचर्स वगैरह महिंद्रा 3XO के। तो चलिए शुरू करते हैं गाड़ी के फ्रंट से। सामने से देखने पे कार जो है आपको कुछ ऐसा लुक ऑफर करती है, जहाँ पे जो है आपको अगर मैं चेकआउट करवाऊँ तो यहाँ पे अगर इसकी जो है हेडलैम्प्स की बात करवाऊँ तो इसमें आपको कुछ ऐसी जो है हेडलैम्प देखने को मिलेंगी जो कि प्रोजेक्टर है ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ आपको फॉग लैम्प्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। और इसमें आपको जो है यहाँ पे पूरा DRL और जो है साइड टर्न इंडिकेटर वगैरह यहीं पे प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी यहाँ पे पूरा आपको किनारे। और अगर इसके जो फ्रंट ग्रिल की बात करूँ तो इसमें आपको जो है पूरा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश टच देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे सेंटर पे आपको जो है महिंद्रा का लोगो देखने को मिल जाएगा जो कि इस UV सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है महिंद्रा की तरह। और यहाँ पे आपको जो है फ्रंट जो है ADAS वगैरह का जो है कैमरा वगैरह देखने को मिल जाएंगे इस गाड़ी में। और यहाँ पे आपको जो है फ्रंट में जो है 2 सेंसर देखने को मिलेंगे गाड़ी में, जो कि एक यहाँ पे प्लेस किया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और एक जो है यहाँ इधर की साइड आपको देखने को मिल जाएगा। और गाड़ी के अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो इसमें आपको मिल जाता है जो है 201 mm का ग्राउंड क्लियरेंस महिंद्रा XUV 3XO में। तो सामने से ओवरऑल गाड़ी का लुक कुछ ऐसा निकल के आता है आपको पूरा सामने से देखने पर। गाड़ी आपको काफ़ी अच्छा रोड प्रेजेंस भी ऑफर करने वाली है। तो अभी चलते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल में और आपको चेकआउट कराते हैं साइड से देखने पर कार आपको कैसा लुक ऑफर करती है और क्या क्या चीज़ें आपको साइड में देखने को मिल जाएंगी महिंद्रा XUV 3XO में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये गाड़ी का जो है AX7L वेरिएंट है ऑटोमेटिक में पेट्रोल में। ये आप उसका टॉप वेरिएंट देख रहे हैं गाड़ी का। तो जहाँ पे अगर इसके जो है यहाँ पे आपको पूरा साइड में व्हील जो है साइड क्लाइडिंग देखने को मिल जाएगी। और इसके व्हील्स की बात करें तो इसमें आपको 17 इंचेस के जो है अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे जो कि डुअल टोन में है, ब्लैक और ग्रे में, ग्रे कॉम्बिनेशन में। इसमें आपको जो है ऑल फोर डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाएंगे गाड़ी में। और इसके जो है अगर मिरर की बात करूँ ORVM की, तो इसमें आपको जो है ग्लॉसी ब्लैक और नीचे की तरफ आपको जो है पूरा 360 डिग्री कैमरा का भी फीचर देखने को मिल जाएगा। उसके लिए आपको यहाँ पे आपको कैमरे की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी गाड़ी में, और जो है साइड टर्न इंडिकेटर वगैरह की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी कार में। और यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह भी देखने को मिल जाएगा गाड़ी में। और यहाँ पे आपको जो है पी पैनल जो है पूरा रफ ब्लैक देखने को मिल जाएगा। ऊपर की तरफ आपको रूफ रेल्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको जो है नॉर्मल एंटीना देखने को मिलेगा कार में। और साइड से देखने पे आपको जो है 3XO ओवरऑल कुछ ऐसा लुक ऑफर करती है। अगर गाड़ी की लंबाई की बात करूँ तो इसमें आपको जो है 3990 mm का जो है इस गाड़ी की लेंथ देखने को मिलेगी गाड़ी में। और अगर गाड़ी की जो है रेयर प्रोफाइल चेकआउट करवाऊँ तो आपको रेयर से देखने पे 3XO कुछ ऐसा लुक ऑफर करती है, जहाँ पे आपको जो है पूरी कनेक्टेड टेल लैम्प देखने को मिलेगी पीछे की तरफ। यहाँ पे आपको जो है ड्राइवर पार्किंग लाइट जो है आपको जो हाइड्रोजन में देखने को मिल जाएगी, ब्रेक लाइट वगैरह LED में देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको जो पीछे वाला जो बम्पर है वो थोड़ा ज़्यादा जो है चौड़ा ब्लैक देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको थोड़ा रगेड मस्त जो है SUV वाली जो है फीलिंग दिलाएगा। और यहाँ पे आपको ऊपर की तरफ जो है एंटीना देखने को मिल जाएगा कार का। यहाँ पे आपको जो है हाई माउंट स्टॉप लैम्प देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको जो है डिफॉगर वगैरह देखने को मिल जाएगा गाड़ी में। यहाँ पे आपको जो है वाइपर वगैरह देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे नीचे की तरफ आपको इसका जो है रेयर कैमरा देखने को मिल जाएगा गाड़ी में। ये यहाँ पे आपको जो है इसका रेयर कैमरा देखने को मिल जाएगा कार का। और पीछे की तरफ भी आपको जो है पूरे 2 पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाएंगे गाड़ी में, और पूरा रिफ्लेक्टर वगैरह देखने को मिल जाएंगे। और पीछे से ओवरऑल कुछ ऐसे लुक है कार की। अगर गाड़ी के जो है फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात करूँ तो इसमें आपको मिलता है 42 लीटर का जो है फ्यूल टैंक कैपेसिटी। और माइलेज की बात करूँ तो महिंद्रा इसमें जो है 18.2 KMPL का जो है माइलेज क्लेम करता है। और अभी जो है बूट स्पेस मैं आपको चेकआउट कर रहा हूँ तो इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी सारा जो है अलग के सूटकेस वगैरह रखे हुए हैं, जो कि
अगर इसके जो है मतलब कि नंबर वाइज में बूट स्पेस आपको अगर कम्प्लीट चेकआउट करवाओ तो इसमें आपको मिल जाता है 364 हीटर का बूट स्पेस। चलिए मैं आपको चेकआउट करवा देता हूँ अंदर से। यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे जो है ऑलरेडी महिंद्रा ने मतलब आपको जो है स्पेस वगैरह चेकआउट करवाने के लिए पूरा दिखा के रखा है। यहाँ पे आपको चार बड़े बैग आराम से आ जाएंगे और यहाँ पे आपको टो हुक वगैरह देखने मिल जाएंगे। पीछे एलईडी में जो है आपको जो है पूरा लाइट वगैरह बूट लैंप वगैरह भी देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे 3 जो है सीट हेडरेस्ट मिलेंगे और पूरा जो है 60 और 40 का जो है सीट स्प्लिट करने का जो है आपको जो है पूरा वो मिल जाएगा ऑप्शन। तो अभी इस करते हैं बंद और आपको चेकआउट करवाते हैं गाड़ी का जो है इंटीरियर। अगर गाड़ी की चौड़ाई की बात करूँ तो इसमें आपको जो है मिल जाती है जो है 1821 mm गाड़ी की चौड़ाई है और हाइट की बात करूँ तो जो है 1800 जो है 47 कुछ mm जो है इसकी चौड़ाई, वो आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा और पूरी चीज़ आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो अभी चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में और आपको चेकआउट करवाते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इंटीरियर वाइज कैसे है गाड़ी। तो चलिए चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो चलिए अभी चलते हैं गाड़ी के अंदर। उससे पहले मैं आपको उसकी गाड़ी की की चेकआउट करवाऊँ तो इसमें आपको कुछ ऐसी महिंद्रा की की देखने को मिल जाएगी जहाँ पे आपको जो है लॉक अनलॉक और जो है होल्ड करके रखेंगे तो बूट ओपन करने के जो है सारे फीचर वगैरह देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको जैसे ही आप जो है इसके जो है इंटीरियर के जो है मतलब ड्राइवर साइड डोर को ओपन करेंगे तो कुछ ऐसा हमें जो है डोर थीम देखने को मिल जाएगी जहाँ पे आपको जो है पूरा डुअल टोन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो है ब्लैक और जो है व्हाइट का जो है कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो है क्लासिक ब्लैक फिनिश में जो है सारे कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे गाड़ी के। तो यहाँ पे जो है ऑटो अप और डाउन का ड्राइवर साइड मिरर का फीचर है। यहाँ पे जो है ORVM पे कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे और ग्रे फिनिश में जो है इसका जो है गेट ओपनर देखने को मिल जाएगा गाड़ी में। और नीचे की तरफ आपको जो है दो बोतल होल्डर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर वगैरह देखने को मिल जाएगा कार में। तो अभी अगर इंटीरियर में आपको चेकआउट करवाऊँ तो कुछ ऐसा जो है इंटीरियर का लुक देखने को मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अभी बैठते हैं गाड़ी के अंदर और आपको चेकआउट करवाते हैं क्या क्या चीज़ें। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे कंट्रोल वगैरह चेकआउट करवा दूँ तो यहाँ पे जो है आपको जो है आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो है डिसेंट कंट्रोल मिल जाएगा, हेडलाइट लेवल वगैरह देखने को मिल जाएगा और कुछ ऐसी के ऐसी जो है डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा। और फर्स्ट में जो है फर्स्ट लुक में आपको कुछ ऐसा जो है इसका जो है स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाएगा। तो अभी बैठते हैं गाड़ी के अंदर और आपको चेकआउट करवाते हैं गाड़ी की और सारी चीज़ें। तो चलिए बैठते हैं अभी। नीचे की तरफ आपको जो है कुछ ऐसे ABC पैडल देखने को मिल जाएगा और आगे के लिए हुड ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको ये बटन मिल जाएगा और यहाँ पे आपको फ्यूल लाइट वगैरह ओपन करने के लिए। यहाँ पे आपको जो है सीट की बात करूँ तो यहाँ पे जो है हाइट और जो है रिक्लाइन दोनों एडजस्टेबल सीट देखने को मिल जाएगी कार में। तो चलिए बैठते हैं गाड़ी के अंदर और आपको चेकआउट करवाते हैं पूरा। तो इसकी की को रखते हैं यहाँ पे और यहाँ पे टिकटॉक कर दो बताएं बंद। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सारी वार्निंग वगैरह दिखाता रहेगा कि आप गाड़ी का कौन सा डोर खुला हुआ है, पीछे वाला जो है डोर ओपन है या नहीं, तो सभी चीज़ें। तो उससे पहले चलिए सीट को करता हूँ मैं पीछे और आपको चेकआउट करवाता हूँ। तो सबसे पहले गेट को करते हैं बंद और आपको चेकआउट करवाते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं इसको करता हूँ इग्निशन को मतलब कि इसके इंफोटेनमेंट को ऑन। तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा जो है हमें जो है जो है मीटर कंसोल देखने को मिल जाएगा गाड़ी का, जहाँ पे एक तरफ जो है आपका पूरा डिजिटल वाले मीटर कंसोल देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको पूरा एक तरफ जो है RPM मीटर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे जो है पूरा जो है ये स्पीड वाला मीटर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको RPM मीटर दिखा रहे और यहाँ पे पोजीशन दिखाते रहे। ये ऑटोमेटिक वेरियंट देख रहे हैं आप, तो इसमें अभी पार्किंग पे लगा हुआ है और सारी चेकलाइट वगैरह आपको यहीं पे दिखाता रहेगा गाड़ी में। और अगर स्टीयरिंग व्हील की बात करूँ तो पूरा कुछ ऐसा जो है आपको स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको जो है मीडिया और इंफोटेनमेंट वगैरह कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको जो है पूरा क्रूज़ कंट्रोल और जो है इन्फो मतलब कि जो है स्क्रीन में सफल वगैरह करने के सारे कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। और एक तरफ आपको जो है यहाँ पे जो है पूरा वाइपर वगैरह के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे और दूसरी तरफ जो है इसके जो है लाइट्स के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे गाड़ी में। यहाँ पे आपको जो है इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने को मिल जाएगा और सेंटर में आपको जो है 10.25 inches का जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाएगा, जिसका पूरा टच रिस्पांस वगैरह काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। और अभी मैं यहाँ पे जाऊँ तो कुछ ऐसा जो है यहाँ पे दिखाएगा। और यहाँ पे सेंटर पे दो आपको जो है एसी वेंट का कुछ ऐसा डिज़ाइन देखने को मिलेगा गाड़ी में। और यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक AC देखने को मिल जाएगा आपको जो है ऑटो का पूरा। और यहाँ पे जो है जार लाइट का स्विच देखने को मिल जाएगा, यहाँ डिफॉगर का देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे जो है ट्रैक्शन ऑन ऑफ करने के लिए ड्राइव मोड मिल जाएंगे आपको 3 इसमें। और यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको 65 वॉट का जो है वो देखने को मिल जाएगा पूरा जो है सी टाइप जो है आउटपुट। यहाँ पे जो है USB पोर्ट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे कुछ ऑटोमेटिक गियर बॉक्स का पूरा ऐसा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे पार्किंग और रिवर्स और जो है आप मैनुअल मोड में भी इसे ड्राइव कर सकते हैं
और यहाँ पे आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक देखने को मिल जाएगी गाड़ी में, और जो है ऑटो होल्ड का जो है सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको जो है आर्मरेस्ट थोड़ा सा स्पेस देखने को मिल जाएगा और आर्मरेस्ट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सीट वगैरह देखने को मिल जाएंगी, और यहाँ पे आपको अगर मैं ऊपर चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको जो है पूरा कुछ ऐसे जो है लाइट वगैरह देखने को मिल जाएंगी गाड़ी में, और जो कि LED में है आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे माइक वगैरह की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी गाड़ी में। और यहाँ पे अगर मैं आपको जो है दिखाऊं तो यहाँ पे आपको जो है वैनिटी मिरर देखने को मिल जाएगा और विद लाइटिंग देखने को मिलेगा, आपको लाइट वगैरह भी मिलेगी इस गाड़ी में यहाँ पे। और ड्राइवर साइड की बात करूँ तो इसमें आपको ओनली टिकट होल्डर देखने को मिल जाएगा, कोई जो है नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो है एयरबैग वगैरह की बैजिंग देखने को मिल जाएगी इस गाड़ी में, आपको 6 एयरबैग देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको जो है कुछ ऐसा ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाएगा गाड़ी का पूरा, ये कोल्ड ग्लव बॉक्स है ऊपर की तरफ भी जो है पूरा। यहाँ पे आपको जो है सॉफ्ट टच देखने को मिलेगा, कुछ ऐसी जो है फीलिंग देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का जो है सिस्टम देखने को मिल जाएगा। ऊपर की तरफ आपको पैनारामिक सनरूफ देखने को मिलेगी गाड़ी में, और यहाँ पे आपको जो है एडजस्टेबल जो है हेडरेस्ट मिल जाएंगे, और पूरा वाइट इंटीरियर, तो थोड़ा आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा भाई। और अभी चलते हैं गाड़ी के जो है पीछे की तरफ और आपको चेकआउट करवाते हैं चीज़ें। तो यहाँ से इसको करते हैं बंद, तो अभी चलते हैं गाड़ी के बाहर की तरफ और आपको चेकआउट करवाते हैं पूरा। तो अभी चलते हैं गाड़ी के पीछे की तरफ और आपको पीछे वाली रोड चेकआउट करवाते हैं। उससे पहले यहाँ पे कर देते हैं इसको जो है ऑफ। तो यहाँ पे पहले आपको जो है ऊपर की तरफ मिलता था, तो आप जैसे कि पीछे वाली रो में आएंगे तो आपको कुछ ऐसा जो है इसका पूरा पैटर्न देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर डुअल टोन मिलेगा ब्लैक और जो है व्हाइट का कॉम्बिनेशन। यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक जो है फिनिश देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे जो है पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाएंगे और कुछ ऐसा गेट ओपनर देखने को मिल जाएगा, और अंदर की थीम कुछ ऐसी देखने को मिल जाएगी आपको। अभी बैठते हैं गाड़ी के अंदर और आपको चेकआउट कराते हैं। तो यहाँ पे आपको जो मैं आपको चेकआउट कर रहा हूँ, तो मेरी हाइट 5 feet 4 inches है, और आप देख सकते हैं जो है स्पेस वगैरह बढ़िया। यहाँ पे आपको 2 AC वेंट पीछे भी मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको जो है 12 volt का जो है सॉकेट देखने को मिल जाएगा नीचे की तरफ, आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे जो है आपको जो है Type-C पोर्ट वगैरह भी देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको यहाँ पे भी लाइट देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पे भी लाइट देखने को मिल जाएगी पीछे की तरफ। आपको कुछ ऐसे ग्रैब हैंडल देखने को मिलेंगे कार में, और 4 स्पीकर मिलते हैं, 2 ट्विटर, सभी चीज़ें मैंने आपको बता ही थी। तो अभी चलते हैं गाड़ी के इंजन की तरफ, क्योंकि इंजन गाड़ी की जान होती है। तो चलिए चलते हैं गाड़ी के आगे की तरफ और आपको चेकआउट करवाते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे की तरफ। और तो इस गाड़ी में आपको मिलता है 1.2 लीटर जो है 3-सिलेंडर टर्बोचार्ज TGDI टेक्नोलॉजी वाला गाड़ी का इंजन। और इस गाड़ी में आपको जो है 2 इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, TGDI और एक, और वो आपको जो है स्क्रीन पे दिखा दूंगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं पूरा। तो अगर इस गाड़ी की जो है पावर की बात करूँ तो इसमें आपको मिल जाती है 128.73 जो है BHP की पावर, और जो है 230 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और माइलेज की बात करूँ तो इसमें आपको मिल जाता है जो है 10.2 KMPL का माइलेज महिंद्रा क्लेम करता है। बाकी आपकी ड्राइविंग वगैरह पे भी डिपेंड करता है कि आप गाड़ी में माइलेज वगैरह क्या होगा। और यहाँ पे आपको जो है पूरा रेडार्स वगैरह का जो है पूरा सेंसर वगैरह और कैमरे वगैरह वहाँ पे दिख रहा रहे होंगे। और इसके फीचर्स की बात करूँ सेफ्टी फीचर की, तो इसमें आपको मिल जाती है 5-star सेफ्टी रेटिंग, 6 एयरबैग स्टैंडर्ड, और जो है लेन डिपार्चर वार्निंग, और हिल डिसेंट कंट्रोल, और जो है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग व्यू, काफ़ी सारे चीज़ें। तो चलिए अभी तो आपको जो है अगर इस गाड़ी के ऑन रोड प्राइस की बात करूँ तो यहाँ पे अभी खड़ा हुआ मैं नारायण ऑटोमोबाइल की, जो कि स्थित है जो है अमौसी एयरपोर्ट लखनऊ पे। यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाड़ी आपको जो आप देख रहे हैं इनका जो है AX7L वेरियंट, जो कि ऑटोमेटिक में है जो है। तो यहाँ पे ये गाड़ी आपको पड़ती है 18,15,200 रुपये की, और सारी चीज़ें तो आपको इसमें मिल ही जाती हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच गाइस, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।